तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है बायो सावर्ट्स लॉ। यही लॉ आपको सिखाएगा कि आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। शुरू करते हैं बच्चों। मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक, सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्लियर? ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। एक पॉइंट है सपोज पी, इस पे तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेंगे डीएल लेंथ का, एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेंगे डीएल लेंथ का, और वो एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में। देखो ये हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया डीएल लेंथ का, पर हमने इसकी डायरेक्शन इधर नहीं लेनी क्योंकि करंट इधर है, तो इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लेंगे। और ये जो छोटा सा पार्ट है करंट की डायरेक्शन में, ये जो हमारा वेक्टर है इसका नाम है करंट एलिमेंट। क्या नाम है इसका? इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। ये इस चैप्टर में हमारी एक बहुत ही कॉमन सी टर्म रहेगी, करंट एलिमेंट। तो आप इसको समझ जाना कि करंट एलिमेंट का मतलब क्या है। अब आपने क्या करना है कि इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक आपने ड्रॉ करना है एक वेक्टर ऐसे। अब करंट एलिमेंट के सेंटर से आप वेक्टर की टेल स्टार्ट करो, और सेंटर भी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये करंट एलिमेंट इतना छोटा है कि इसका सेंटर क्या, ये तो खुद पॉइंट साइज्ड है। तो एक वेक्टर लो जिसकी टेल आप डीएल पे रखो, और अगर आप डीएल थोड़ा बड़ा दिखा रहे हो जैसे मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है डीएल ताकि आपको दिखाई दे, तो आप इस वेक्टर की टेल डीएल के सेंटर से स्टार्ट कर देना। ठीक, यहां पर एक वेक्टर है ये जिसकी टेल डीएल पर है और जिसका हेड उस पॉइंट पे है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस वेक्टर को हमने नाम दिया आर। इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? आर। और ऑब्वियसली इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर होगा, आर विद अ वेक्टर साइन। तो मैं तो वेक्टर की बात कर रहा हूं, बट अगर मुझे इस ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो भी चाहिए मुझे फॉर्मूले, तो इसकी लेंथ को मैं डिनोट करूंगा आर से विदाउट द एरो साइन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, ओके। अब यहां पे एक एंगल भी लो थीटा, ये एंगल हमारा सीधा सीधा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। समझ में आ गया? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर? अब जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ऑब्वियसली स्मॉल ही होगी क्योंकि बहुत छोटे से हिस्से के लिए। देखो बायो सावर्ट लॉ का जो मेन फंडा है वो ये है कि ये आपको ये सिखाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से पार्ट के लिए पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और आपको पूरे के लिए निकालनी होगी तो आप उसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीएल, ये क्या होगी? डीबी। डीबी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है बच्चों? बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने सिंबल पढ़ा ई, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे? बी, कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ ये कहता है बच्चों कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी नहीं मतलब इस कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पे, वो मैग्नेटिक फील्ड है db, वेरी स्मॉल, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू i, दैट इज जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, यानी ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा मैंने आपको बता दिया है कौन सा एंगल है,
जो पूरा कंडक्टर होगा उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, लेकिन हम तो छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या ले रहे हैं डीबी, और ये डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखो दो चार बातों का लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है, साइन थीटा की अभी हम बात करते हैं। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से बनी है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से बनी है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ये डीएल ही तो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऑब्वियसली सोर्स जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगी। डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैक्सिमम फील्ड्स का यही फंडा रहता है कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और अब आप देख रहे हो चाहे वो क्या हो मैग्नेटिक फील्ड हो, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग सोर्स से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है। तो अगर आप इन सब को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आप जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वालिटी लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना वो कांस्टेंट यहां पे क्या होगा, तो डीबी हमारा हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई, यही कांस्टेंट है यहां पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई। अभी इसकी चर्चा करते हैं, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा है बायोसेवेट्स लॉ। यहां पे बच्चों म्यू नॉट का नाम है, म्यू नॉट आप समझ गए कि ये कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, पर उसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आपको कुछ कुछ याद आया होगा, जैसे चैप्टर वन में था एप्साइलन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमियबिलिटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी। अब यहां पर जो पॉइंट है P और ये जो कंडक्टर है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, और मीडियम की तो हमने कोई भी प्रॉपर्टी अभी तक डाली ही नहीं, तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है यहां पे ये मीडियम की प्रॉपर्टी को साथ ला रहा है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी है म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि अभी हमने ऐसा मान लिया कि कंडक्टर और पॉइंट के बीच में वैक्यूम है या एयर है, फ्री स्पेस क्या बोलते हैं, वैक्यूम एयर को बोलते हैं, तो यहां पे हमने ये मान लिया। लेकिन अगर आपके कंडक्टर और पॉइंट के बीच में कोई और मीडियम होगा तो सब कुछ सेम रहेगा पूरे फॉर्मूले में, बस ये जो चीज है ये बदल जाएगी, तो ये कहलाती है मीडियम की मैग्नेटिक परमियबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू है यानी म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 pi into 10 raised to power minus 7, और 4 pi into 10 raised to power minus 7 अगर आप यहां रखोगे तो 4 pi से 4 pi तो कट ही जाएगा, यानी कि इस पूरे कांस्टेंट की म्यू नॉट बाय 4 pi की वैल्यू है 10 raised to power minus 7। और इसकी यूनिट क्या है बच्चों, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बट याद रखो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे आया टेस्ला, टेस्ला के लिए हम बी का सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी टेस्ला, और सिंबल क्या हो गया कैपिटल टी। तो अगर आप यहां पर म्यू नॉट की यूनिट निकालना चाहते हो तो डीबी को आप इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, तो डीबी इंटू मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट यानी एम्पियर, एक और डीएल यानी मीटर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये बन गई इसकी यूनिट, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक। सो ये फॉर्मूला है डीबी निकालने के लिए यानी डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।
तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि हमको कैसे करना है। जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर शेप का कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है या फिर स्ट्रेट कंडक्टर है या फिर सोलिनॉइड है, तो हमें उसके लिए कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, क्या हमने लिमिट्स लगानी है डीबी की ताकि हमको पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। अब यहां पे बात करते हैं साइन थीटा की। बच्चों जैसे जैसे पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, जैसे जैसे पॉइंट इधर शिफ्ट होगा थीटा कम होगा, और आप जानते हो अपने ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज से कि जैसे जैसे थीटा कम होता है साइन थीटा भी कम होता है। जीरो डिग्री पे साइन थीटा जीरो होता है, 90 डिग्री पे वन होता है, तो एंगल के साथ बढ़ता है और एंगल के साथ घटता है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आएगा साइन थीटा घटेगा डीबी घटेगा, जैसे जैसे पॉइंट इधर आएगा साइन थीटा बढ़ेगा डीबी बढ़ेगा, है ना। तो 90 डिग्री पे जब आप लोगे पॉइंट ये, तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो डीबी भी मैक्सिमम होगा। और अगर ये पॉइंट आप कंडक्टर पे ही ले लेते हो, अगर ये पॉइंट आप कंडक्टर पे ही ले लेते हो तो डीएल और आर के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कंडक्टर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक, सो वेक्टर फॉर्म में अब मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको, आप क्या करो, क्योंकि क्योंकि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इधर डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढोगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऊपर हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए। तो एक तो हमारा वेक्टर है डीएल, और दूसरा वेक्टर हम कहां से लाएं, सपोज हम इसको आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दें, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और डीएल और आर दोनों वेक्टर हैं, तो फाइनली ये जो आपका वेक्टर फॉर्म में बनता है बायो सेवर्ट्स लॉ डीबी वेक्टर, ये बनता है म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब।